जय श्री कृष्णा। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। नवरात्र में बेहद ही अच्छी जानकारी लेकर मैं आई हूँ, जो कि सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। नवरात्र के अष्टमी के दिन और नवमी के दिन हमें किस तरीके के कन्या का पूजन करना चाहिए, जिसके वजह से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बने। इसको नहीं ध्यान में रखने के कारण ही हमारा साल भी खराब हो सकता है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धार्मिक चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्म के साथ एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है। आइए चलते हैं कि कौन सा कन्या हमारे घर में, कौन सी कन्या हमारे घर के लिए सुख शांति और समृद्धि लाएगी, भाग्य को उन्नति में बदल देगी। जिस तरीके का माँ का स्वरूप होता है, आशा रखते हैं कि हमें उसी तरीके से अपनी घर में कन्या को बुलाना चाहिए, क्योंकि सभी माताएं खूब सुंदर और सर्वगुण संपन्न दिखाई देती हैं। तो इतना तो ज़रूर हमें करना चाहिए कि हम जो भी कन्या का चुनाव करें, ऐसी कन्या का चुनाव करें जो कि वो रोने वाली नहीं हो। बहुतों के घर में ज़बरदस्ती उनको प्रसाद भोग लगाया जाता है, जिसके कारण से वो रोने लगती हैं, तो उनका साल अवश्य ही खराब होने की संभावना होती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि जब भी आप कन्या जिमाएँ, तो वो कोई भी कन्या आपके घर में रोए नहीं, हंसी से ही वो आपका प्रसाद ग्रहण करें। एक बेहद जानकारी और ये है कि आप कन्या को भी, ऐसी कन्या अपने घर में निमंत्रण कीजिए जिससे कि कोई भी अंग कटाफटा नहीं हो या अतिरिक्त नहीं हो, क्योंकि माँ के सभी अंग कितनी सुंदर से माँ बिल्कुल अच्छी लगती हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जिसके घर में कन्या है, कुछ फिजिकल रिसर्च की वजह से वो कुछ कमी है, लेकिन हमें जब कन्या जिमानी है तो हमें उस कन्या का ही घर में आमंत्रण करना है जो कि वो पूरी हो, जिसके एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स नहीं हो, जैसे फिंगर्स 6 नहीं हो, आँख टूटी फूटी, मतलब जैसे कम 19-20 जैसे नज़र होती है वैसे नहीं हो। अगर आप इस बात से सहमत है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश तो करनी चाहिए हमें कि जैसी माँ का स्वरूप है उस तरीके से कन्या को हम अपने घर पर लाएं और उन्हीं को हम कन्या का भोजन का प्रसाद कराएं। ये मेरा कहना नहीं है, ये दुर्गा माता का एक पुस्तक है, उससे ली हुई जानकारी है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।